हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में, किसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है अलग अलग कोर्सेज़ के लिए। तो आपको किस तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आए तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाए। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि फायरफॉक्स, मोज़िला या फिर एज। देन आपको उसमें टाइप करना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश आइस पेपर, IAS पेपर। एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है, यहाँ से आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड आपको सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगी। देन यहाँ पे इसको जो एप्लीकेशन फॉर्म है स्टार्ट हो चुका है PG कोर्सेज़ के लिए एंड ये फाउंड हुआ था 2009 में। देन यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्म आएगा जिसमें आपको अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट स्टेट, करंट सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हेल्थ क्वालिफिकेशन और आपको गेट फी काउंसलिंग में क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा, आपके ईमेल आईडी एंड आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको इस यूनिवर्सिटी से सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाए। देन यहाँ पर नोटिफिकेशन आया कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है, क्लिक हियर पे आप क्लिक करेंगे देन आप जो न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में दिया गया है। देन यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे देन यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई पे आपको क्लिक करना होता है एंड देन आप जो न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना होता है। देन आप जो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ओपन हो जाएंगे, यहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होता है, साइन इन डालेंगे देन यहाँ पे अगर आप न्यू हैं तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होता है एंड देन यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आपको उसको रीड करना है एंड देन यहाँ पे आपको आई हैव डाउनलोडेड पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे क्लिक किया टू प्रोसेस पे क्लिक करना होता है। देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे, यहाँ पे आपको अपना नेम डालना होता है, फादर नेम डालेंगे, मदर नेम, देन डेट ऑफ बर्थ बतानी होगी, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आप वो बताएँगे एंड देन आपको जो है यहाँ पर अपने जेंडर बतानी होती है, नेशनलिटी बताएंगे, आइडेंटिटी टाइप बताएंगे, आइडेंटिफिकेशन नंबर डालेंगे एंड देन यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस डालना होगा, जिसमें आपको अपना प्रीमाइसिस नंबर डालेंगे, सब लोकेलिटी बताएंगे, लोकेलिटी, कंट्री, नेशनलिटी एंड देन डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। देन आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होता है, कन्फर्म करेंगे मोबाइल नंबर। देन आपको जो है यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस बताना होता है, ईमेल एड्रेस कंफर्म करना होता है, देन अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर बताएंगे एंड देन आपको जो यहाँ पे अगर आपको परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट करना होता है 8 to 13 कैरेक्टर्स के अंडर में एंड देन आपको पासवर्ड कन्फर्म करना होता है। देन आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना होगा, उसका आंसर बताना होगा एंड देन आपको जो है सबमिट पर क्लिक करना होता है। देन आप न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे, वहाँ से आपको अपना जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, पेरेंट्स डिटेल्स एंड अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देनी होती है। इस तरह से आपको अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।